कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय टीम तैयार। पहली बार खेला जाएगा कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट। क्रिकेट टीम को नहीं मिल रहा है खाना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। वन इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। भारतीय टीम कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में खेले जाएंगे। साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार क्रिकेट को शामिल किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया है। साथ ही भारतीय टीम अब कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बर्मिंघम में पहुंच चुकी है और टीम ने पसीना बहाना प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया क्रिकेट का आगाज कॉमनवेल्थ गेम्स में करेगी। साथ ही टीम पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ और 31 जुलाई को बड़ा मैच पाकिस्तान के साथ खेलेगी। बहरहाल, पूरी बात की अगर आपको जानकारी दें तो BCCI ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें सभी खिलाड़ी पसीना बहाते हुए और साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए मेडल के लिए तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच खिलाड़ी पसीना बहाते हुए प्रैक्टिस करते हुए, गेंदबाज गेंदबाजी करते हुए, इसके अलावा बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि टीम के खिलाड़ी यस्तिका भाटिया ने तैयारियों को लेकर कहा कि वह पूरी तरीके से तैयार है, टीम पूरी मेहनत कर रही है और टीम को भरोसा है कि टीम गोल्ड मेडल के लिए तैयार है और उसी को जीतना चाहेगी। साथ ही यस्तिका भाटिया ने कहा कि हमारे लिए मैदान थोड़ा नया होगा, हमने एक भी मुकाबला मैदान पर नहीं खेला है और हम अब चाहेंगे कि इस मैदान पर जीत करके गोल्ड मेडल अपने नाम करें। आपको बता दें कि टीम की तैयारियों को लेकर यस्तिका भाटिया ने बातचीत की, आप भी सुनिए। Pretty excited to get on the field and can't wait to start off our first match. Very excited. This is the first time that women's cricket is a part of a multi-sporting event like Commonwealth Games. So winning a medal will always make this team a historic team, first team to win a medal. So how does that go with the team that, you know, for the first time an Indian cricket team is representing women's cricket? Yeah, we are very grateful for this opportunity that has been provided to us, and any matches which we represent for our country, it's a matter of pride and we are very excited, and we would like to win at one medal, and at least we are going for gold, not any podium finish. So we are looking to the gold and we are practicing, preparation is according to that only. Yeah, women's team will be playing their first match in Edgbaston. So we have not played there. So we have to look at it as a new ground, new challenge, and just go according to that. बहरहाल, इन सभी के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि टीम के कई खिलाड़ियों ने खाने और साथ ही रूम्स को लेकर कंप्लेंट की है। सूत्रों की माने तो टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों ने रूम्स और साथ ही खाने को लेकर कंप्लेंट की है। भारतीय टीम की खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें रूम शेयर करना पड़ रहा है, इसके अलावा खाने को भी पूरी तरीके से पर्याप्त खाना नहीं मिल पा रहा है। खिलाड़ियों ने शिकायत की है कि उन्हें बाहर जाकर के खाना खाना पड़ रहा है, इसके अलावा कप्तान को ही अलग से रूम दिया गया है और वहीं कई खिलाड़ी एक साथ एक ही रूम को शेयर कर रहे हैं। बता दें कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उन्हें शिकायत की गई है लेकिन उनकी तरफ से किसी भी तरीके का संतुष्टि वाला जवाब क्रिकेट के खिलाड़ियों को नहीं मिला है। खिलाड़ी इन सभी के बीच पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं और इसी के साथ यस्तिका भाटिया का कहना है कि टीम पूरी तरीके से गोल्ड मेडल के लिए तैयार है। बहरहाल, खाने को लेकर और रूम्स को लेकर कंप्लेंट की गई है लेकिन अभी तक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से किसी भी तरीके की कार्रवाई या फिर उनको किसी भी तरीके की अलग से सुविधा नहीं दी गई है। खिलाड़ी को कहना है कि उन्हें बाहर जाकर खाना खाना पड़ रहा है, इसके अलावा रूम शेयर करने पड़ रहे हैं और खिलाड़ियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केवल कप्तान हरमनप्रीत कौर को अलग से कमरा दिया गया है, अलग से रूम दिया गया है और उनके अलावा किसी भी खिलाड़ी को अलग से रूम नहीं दिया गया है। सभी को एक साथ एक ही जगह रहकर रूम्स को शेयर करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पहली बार क्रिकेट की टीम कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलते हुए नजर आएगी और इस बीच उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल, क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी। आपकी क्या कुछ राय है इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।